अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ, वो विंटर के हैं, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश। क्योंकि इस तरह के विंटर के ड्रेस जब आप अपने बेबी के स्टिच करेंगी खुद ही, आप खुद भी कहेंगी मार्केट में जाने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम अपनी बेबी के प्यारे प्यारे कम्फर्टेबल ड्रेस खुद ही घर में तैयार कर लेते हैं। इस तरह के ड्रेस आप फ्लीस फैब्रिक में, फेल्ट फैब्रिक में या वूल फैब्रिक में इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इनर की वजह से ये ड्रेस बहुत ही नीट बन जाते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह का फैब्रिक है और आपके पास नेट फैब्रिक है, तो इस तरह से फ्लेयर लगाकर बहुत ही खूबसूरत सा विंटर ड्रेस बना सकती हैं। हल्की फुल्की सी डेकोरेशन करने के बाद, चाहे आप खूबसूरत सी बो लगा लें, चाहे खूबसूरत सा स्टिकर या बंच मोटिव वगैरह, आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त हैं जीन्स फैब्रिक की। इस तरह की विंटर ड्रेस आप अपनी बेबी के लिए बनाएं, फ्रॉक का फ्रॉक, स्कर्ट्स की स्कर्ट, बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस तैयार इजीली। आप खुद भी कह देंगे कि वाकई ये तो हम मार्केट में लेने जाते तो हमें बहुत ही कॉस्टली मिलता, और इस तरह से हम अपनी बेबी का घर में ही बासानी इस तरह के ड्रेस बना लेते हैं। पेपलम फ्रॉक के साथ आप फुल स्लीव्स की इस तरह से अपर भी बना सकती हैं, जो फेल्ट फैब्रिक में, समर फैब्रिक में बना सकती हैं। क्योंकि समर फैब्रिक की अगर बॉडी भी आपने बना ली हो अपनी बेबी की बहुत ही प्यारे अंदाज से, तो नेट फैब्रिक की स्कर्ट की तरह इस तरह से फ्लेयर बनाएं और बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बना लें। विंटर फ्रॉक अक्सर आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग स्लीवलेस नेक लाइन डीप बनाते हैं ताकि बेबी को पहनाने में विंटर में कंफर्टेबल रहे। क्योंकि हाई नेक या कोटी अपर वगैरह पहनाना भी हो तो हाई नेक या कोई ऐसी फिटिंग वगैरह ना हो आपकी बेबी की शर्ट की, फ्रॉक की, तो आप बेबी कंफर्टेबल रहे, इजी रहे। क्योंकि फुल स्लीव जब हम बनाते हैं तो अगर आपके कोई भी स्टफ ऐसा पहनाया हो तो फुल स्लीव्स टाइट हो जाते हैं, शोल्डर टाइट हो जाता है, आर्म होल टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें, विंटर का जो भी ड्रेस हो उसकी नेक लाइन, आर्म होल थोड़े से बड़े बनाया करें, डीप बनाया करें, ताकि पहनने में बेबी कंफर्टेबल रहे और ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश लगे। विंटर ड्रेस का आज की विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी आपके लिए स्पेशल लेकर आई थी मैं, ताकि आपको पसंद आए, आप अपने बेबी के, अपने कस्टमर के बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकें। तो आइडियाज़ वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें, ताकि आपको प्यारी प्यारी वीडियोज़ हम आइडियाज़ के तौर पर दिखाएँ और आप उनसे फ़ायदा उठाएँ। कमेंट सेक्शन में हम आपको व्हाट्सअप, अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं देख पाते क्योंकि व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं हो पा रहा, स्पैम में हो जाता है। तो प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा कि मैं फ़ोन नंबर नहीं दे पा रही आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा स्किप किए बगैर, ताकि आपको तमाम डिज़ाइनिंग एक ही वीडियो में एक साथ देखने को मिल जाए और आप अपनी बेबी की ड्रेस बनाने में फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।